आ गए हम. सरप्राइज. तुमसे मिलने आए हम. हाँ आप क्यों आई हैं यहाँ पे? कैसे आगे, कहाँ से आगे? मैंने बोला हमें मिलने का मन हुआ तुमसे. एक मिनट, माँ को मैं लाई हूँ. मैंने इन्हें बुलाया. मतलब तुम सुबह सुबह इनको पिक करने गई थी? हाँ सम्राट, आज सुबह ना मैं माँ को पिकअप करने गई थी. वो क्या है ना कि इतने दिन से तुम्हें इतनी टेंशन में देख रही हूँ, तो सोचा कि अगर माँ यहाँ पे आ जाएंगी ना तो शी कैन हैंडल यू वेल. हैंडल बेटा, कितने पतले हो गए हो तुम्हें, कमजोर हो गए हो. अब हम आ गए ना, तुम्हारे लाने अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और तुम्हारी तंदुरुस्ती ना अच्छी हो जाएगी. तंदुरुस्ती के लिए इनकी क्या जरूरत है? तुम बोना सम्राट, तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम खुश नहीं हो कि माँ हमारे साथ यहाँ पे रहने आई है? हाँ बहुत खुश हूँ मैं भाई. I'm very happy. My mother is back from Shashi. क्या बात, I love you यार. मन तो कर रहा आरती उतारू, नारियल फोड़ू मैं. हाय हाय संदन जी, हम मिल के आते. कैसे हैं आप? हाय, इस शरीर से तो बड़ी तंदुरुस्त लग रही हैं आप. हाँ आप अब ठीक है? हाँ हाँ, हम एकदम ठीक है. तानी को बहू के रूप में पाके हम बहुत खुश हो गए हैं. लक्ष्मी जैसी बहू मिली है हमको. हाँ दीदी, ये कौन है? चंदा लेने आई है क्या? मामी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये ना सम्राट की माँ है, यानी मेरी सास. अच्छा, तुम्हारी सासू माँ. तो बेटे के ससुराल आई है उसका हाल चाल पूछने. हैं सही है भैया, सही है. उल्टी गंगा बह रही है, कलयुग है. अब तो घर जमाई के जगह घर सास बनेंगी. ओ, यहाँ पे तो मामा जी भी नहीं आपको चुप कराने के लिए. आप ये डबल मीनिंग बातें बंद नहीं कर सकती क्या अपनी? प्लीज ईशान बेटा, आई उर्मी बहू, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमने तुमको देखा ना, तो हमारे कलेजे को ना ठंडक पड़ गई है. हाँ वैसे उर्मी बहू, हमको बहू तो नहीं कहना चाहिए, पर कहा करें कि इतने सालों से आदत जो हो गई है ना हमारी. पर जो भी हो, तुम अब इस घर की बहू हो, तो अब बहू तो बहू ही होता है ना. सही कह रहे हैं ना? नहीं नहीं सम्राट की माता जी, आपके मन में जो आए सो कहिए. वो क्या है ना कि इस घर के लोग भी जरा कंफ्यूज ही हैं, तो एक आप और कंफ्यूज हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. अरे देखिए, बेटे की बहू हो या बेटे के साले की बहू हो, मिला जुला के तो बहू ही हुई ना. क्यों जी है? ऑफकोर्स सम्राट, तुम माँ का सामान लेके ऊपर जाओ, मैं तब तक इनके लिए कुछ नाश्ता ला लूँ. कितनी थक गई होंगी ना ये. हाँ हाँ, ये हीरे की हिलका, अरे बड़ी सुंदर है. माते आई, आपकी सेवा करता हूँ, बहुत थकी होंगी ना. जब जी खुश होता है ना तो हमें माते माते कहता है. वो रामायण महाभारत में नहीं जैसे कहते? जो बड़ी सुंदर चली आई. हम सभी बताइए ना, आइए हम सभी बताइए. आइए आइए आइए, खबर चलिए. आइए सामान उठाइए, आइए सामान उठाइए, आइए. भारी है थोड़ा सामान, रेता भर के लाइए उसमें. क्या बिल्डिंग बनाओ यहाँ पर? लीजिए कपड़े हैं. हाय, कहाँ खा रहे हैं? चपाटे देखो कितने महंगे लग रहे हैं बेटा. अरे अरे अरे,
ये क्या है ये? इतना सामान लेके आने की क्या जरूरत? ये गढ़ के बसने का रहा है? नहीं बेटा, हम थोड़े दिन रहने चले आए थे। मतलब इतने कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? दुकान लगाएगी कपड़ों की यहाँ पर? ये बड़ी सबसे पहली बात आई क्यों यहाँ पर? क्यों क्या जरूरत है? क्या क्या मुझसे पूछा आपने? नहीं फिर बेटा, हमारे सूटकेस में जगह थी तो हमने कपड़े रख लिए। और तुमको कैसे लगा कि तुम हमको लेने नहीं आओगे तो हम बंबई नहीं आएंगे का? हाँ, हमको हमारी बहू ने बुलाया है। हाँ बेटा, बहू बेटी जैसी हो ना, तो बेटा चाहे जैसे भी हो अपनी सास को तकलीफ नहीं होने देती। धन्य भाग है जो हमें तानी जैसी बहू मिली। फूटे कर्म है आपके, फूटे कर्म। और जब मेरी मेहनत करने दे रहे, इतनी ऐश कर रही हैं आप। ऐश? हाँ जी ऐश। मेरी बात सुनिए, अगर कोई गड़बड़ी हुई, कोई गड़बड़ी की आपने, मैं ना हर हॉल में उल्टा टांगूंगा चूमर की तरह। हंसेंगी ना, मुस्कुराएंगी तो ऐसे रोशनी फैलेंगे। तलवार की धार पे चल रहा हूँ, एक से एक घाट बैठे, एक और आ गई मेरे साथ बैठने के। चंडाल चंडाल बोला हमको? हम ना सब घाघन की अम्मा है। अम्मा? हाँ, हमसे भी ज्यादा कोई होशियार होगा ना? अरे तुम देखते जाओ, हम यहाँ ऐसा काम करेंगे, ऐसा चक्कर चलाएंगे ना कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, अरे तुम्हारी जगह एकदम पक्की हो जाएगी। हाँ, खूंटा गाड़ने आए हैं हम तुम्हारे यहाँ पे, कोई हिला नहीं पाएगा तुमको यहाँ। खबरदार, जो अपना दिमाग चला रहे, ओके? मुझे जरूरत नहीं है अपना खूंटा। जा नीचे खूंटा अपना, और नीचे झांसी वापस। आगे उठ के शकल है मुंबई वाली। अबे बेटा, फेशियल करवा क्या? फेशियल करिया, फेशियल कराए, जो मेड इन झांसी उल्टा इन झांसी। ओके सम्राट। ये क्या तरीका है माँ से ऐसे बात करने का? हाँ कैसी बेटा, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, कितना ब्यूटीफुल चेहरा है मेरी मम्मा का। सब सुना है मैंने सम्राट, बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे हो तुम माँ से। अरे अभी अभी माँ आई है, उनकी सेवा करनी चाहिए तुम्हें, तुम उनको डांट रहे हो। अरे चलो सॉरी बोलो। क्या बोलो? सॉरी बोलो माँ को। सॉरी क्यों बोलूँ उनको मैं, क्यों बोलूँ सॉरी? अब जे अपने कभी को जे अपने सॉरी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं सॉरी बोलेगा? मैं हूँ ना, मैं सॉरी बोल पाती। सम्राट सॉरी बोलो माँ को। अबे यार, एक ये इडियट की बच्ची कम थी जो एक और आफत आ गई सर पे? शेर की नाक में नकेल है, क्या करें? बोलो, अजी नहीं बोलेगा हमको सॉरी। सॉरी ऐसे बोलोगे तुम हमको सॉरी? अब बोल दिया, बस सॉरी बोल दिया ना, बस हो गया सॉरी। देखो बस बोल दिया, बस भूख तो नहीं है, अब तुम जोर दे रही हो तो चलो खा लेते हैं। हम चाय लोगे? बहुत सही, जितानी से चिड़िया है, किसी को दाना डाले रहोगी शशि तो तुम्हारा दाना पानी आराम से चलता रहेगा। कहाँ जा रही हो इतना सच सवर के? रेस्टोरेंट जा रहे हैं। क्यों? क्यों क्या? अब मेरी सुंदर सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी वाइफ अपने लोनली हस्बैंड को छोड़ के काम पे जाएगी? ईशान को जरूरी काम है, जाना जरूरी है। Oops. क्या किया ईशान तुमने, हमारी साड़ी खो दी। सॉरी फॉर यू। इट्स ओके, छोड़ो। नहीं, इट्स नॉट ओके। जब उतरी मुझसे है तो मैं ही पहनाऊंगा। यू नो, चित भी मेरी और पट भी मेरी। Very smart. Absolutely. Head or tails, I never fail.
सारी सारी बनाता हूँ ना ईशान, मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। देखो ईशान प्लीज छोड़ो, हम कर लेंगे। करने दो ना, प्यार से, जितने प्यार से बनाऊंगा उतनी ही प्यारी प्लीज बनेगी। तुमसे नहीं होगा। होगा, अब सही कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहे, तुमसे नहीं होगा ईशान। हो जाएगा मुझसे पक्का। हमारे यहाँ एक कहावत है। कौन सी? बिच्छू का मंत्र तो पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दिया, नहीं होगा तुमसे। ऐसा है, बिच्छू का मंत्र भी पता है और सांप का भी। सी, परफेक्ट। वाओ, थैंक यू, अमेजिंग। तो रुको, अब बनाई मैंने है, प्लीज तो पहनाऊंगा भी मैं ही ना। बहुत बदमाश हो ईशान। हो गया परफेक्ट, बनाया मैं। थैंक यू। लाओ अब तुम्हारा वो पल्लू भी परफेक्टली सेट। पल्लू बिल्कुल परफेक्टली सेट है। सेट सेट। ऐसे ही हंसती रखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने नोटिस किया था कि तुम सम्राट की मदर को देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, पर डोंट वरी, वो इक्वेशन ही नहीं है तुम्हारी उनके साथ अब, है ना? एंड अबव ऑल मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। There for you, unconditionally. And as we say, when Ishaan is here, not to be. Love you. Love you too, Ishaan. चली आई अपना बोरिया बिस्तर उठाए, बिन बताए बिन बुलाए। कमाल के लोग हैं, मुझे तो अपने ही घर में मेहमानों जैसी फीलिंग आने लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग मेरे घर पर आकर नहीं रह रहे, मैं लोगों के घर जाके मेहमान बनकर रह रही हूँ। दामिनी, दामिनी, तुम सम्राट की माँ को बिन बुलाए मेहमान क्यों कह रही हो? हाँ भाई, तुम्हारी अपनी बेटी ने बकायदा बुलाया उन्हें इस घर में, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने इरिटेट होने की बजाय तुम अपनी बेटी से शिकायत करो इस बात की। आई एम श्योर तानी विल लिसन टू यू। यार राइट, तानी से कभी कोई बात कर सकता है? वो किसी की सुनती है? पता नहीं किस दुनिया में रहती है, अपनी जिद के चक्कर में हमारे लिए हर बार मुसीबत खड़ी कर देती है। रिलैक्स दामिनी, शशि जी यहाँ पर हमेशा के लिए रहने थोड़ी आई हैं, कुछ दिन रहेंगी और वापस चली जाएंगी अपने घर। हाँ, कह रही थी वो कि समुंदर देखने आई है। पता नहीं समुंदर देखने आई है, मेरे इस घर को समुंदर बनाने आई है। रानी, वो जो लिस्ट बनाकर दी थी ना मैंने तुम्हें, हाँ, वो जाकर पहले बाजार से ले आओ प्लीज। जी भाभी, मैं जा ही रही। माँ जी, आप यहाँ चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो उर्मी बहू से मिलने आए थे, क्योंकि हमारी पुरानी बहू मिली है तो हमने सोचा थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आई उर्मी बहू, हमको एक बात बताओ, तुमको अपना नया ससुराल और नया मर्द कैसा लग रहा है? खूब मजा आ रहा है, है? रानी, पहले जाकर सामान ले आओ। जी ठीक है भाभी। सही है बहू, एकदम सही है, चाबी तो तुम ही काट रही हो और यहाँ पे अपना सिक्का भी तुमने जमाया हुआ है, मान गए हम तुमको। हाँ बहू, बड़े से बड़े ग्राहक भी ना इतनी जल्दी अपना दूसरा घर नहीं बसा पाते जितनी जल्दी तुमने बसा लिया। हाय बेचारे ईशान के माँ बाप हैं, मैं उनको कहा पता कि जंगल की हर लकड़ी चंदन नहीं हुआ करती, वो तो तुम्हें चंदन समझ के अपने माथे पे सजाए बैठे।
का किस्मत है, का किस्मत है तुम्हारी, शाबाश। अच्छे लोग कहीं पे भी चले जाए माँ जी, अपनी जगह बना ही लेते हैं। और रही बात घर बसाने की, कर्म अच्छे हो, नियत में सच्चाई हो, तो सब कुछ अच्छा होता है। और हमने किसी का कुछ बुरा तो किया नहीं है, तो भगवान को तो हमें ये तोहफा देना ही था ना। और सचमुच असली चंदन हो तो लोग उसकी पहचान कर ही लेते हैं। अच्छा हमको तुम एक बात बताओ, जो ईशान है ना, ईशान से तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है, कब से सेटिंग चल रही थी? हाँ मतलब है कि जब तुम्हारी सेटिंग हुई होगी तभी तो तुमने सोचा होगा कि सम्राट को छोड़ो। अच्छा खासा मोटा ताजा मुर्गा मिल गया है, इसको निकलो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों ठीक कह रहे ना? जो आदमी जैसा सोचता है उसे पूरी दुनिया उसी नजरों से दिखाई देती है, उसे सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा कि वो सोचता है। और आप हमको एक कायदे से बात समझाइए, आपके परिवार और आपके बेटे को छोड़े हुए जमाना हो गया हमें, तो अभी तक बेचैनी नहीं गई आपकी जान में? छोड़िए ना माँ जी, जाने दीजिए। अब हमको बताओ ना, तुमने और काका कांड किए हैं? हमको सुनने में ना बहुत मजा आता है। हमको बताने में भी तो मजा आना चाहिए ना माँ जी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको बताने में। ये सब हमारी लाइफ है, हमने जो किया सो किया, हमारी मर्जी। हाँ हाँ आज तक तुम सब अपनी मर्जी तो करती आई हो, और क्या किया है तुमने? यही सब करने आई है क्या माँ जी यहाँ? हाँ हम ये सब क्यों करने आएंगे, हम तो हाँ मुंबई दर्शन करने आए। हाँ तो कीजिए ना कायदे से मुंबई दर्शन, बिना अपनी गंदगी फैलाए। माँ जी घर हमारा है, आप मेहमान है यहाँ, मेहमानों की तरह इज्जत से रहिए, वक्त बिताइए, जब हो जाए तो इज्जत से निकल लीजिए। क्योंकि अगर हमने इज्जत उतार दी तो अफसोस हमें भी होगा। जो भी चाहिए बता दीजिए, आपके सामने आपको मिल जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो फिर जाइए। दीदी हमारा घर तो हमारा घर रह ही नहीं गया, धर्मशाला बन के रह गया है। अब सम्राट की माँ आ गई है यहाँ रहने के लिए, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ क्या कहूँ, कह दीजिए ना, आपके परिवार में और भी तो लोग होंगे, उन्हें भी यहाँ ले आइए, निसंकोच रहिए। अरे सीधे सीधे कह दीजिए ना कि निकल जाओ मेरे घर से। एक तो जिसको इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो जोंक की तरह आके चिपक गई, सारा प्लान चौपट हो गया। अब ये एक और जोंक आ गई, दीदी कह देती हूँ इसे मत चिपकने देना, नहीं तो ये जोंके मिलकर हमारा खून चूस जाएंगे। ईशान और उर्मी की जोड़ी भी ना भगवान ने अब बना ही दी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे कोई कुछ कर भी क्या सकता है, जब मेरा बेटा ही बेवकूफ है तो कोई तीसरे को क्या कहूँ मैं, प्यार करता है ये कोई किसी का छोटा खाना खाता है क्या? दीदी एक आइडिया आया, अभी अभी दिमाग की बत्ती जली। कैसी बत्ती? देखिए माना कि उर्मी को इस घर से बाहर निकालने का प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन सम्राट अभी भी आपकी मुट्ठी में है, आप जब चाहें उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकती हैं। कैसे? तानी को ये बता दीजिए कि सम्राट नासिक पूजा ऊजा के लिए नहीं होटल में गया था उर्मी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए। कहां तो वो तानी के सामने कपटनी भक्त बना फिरता है, बेबी डॉल बेबी डॉल, कहां पीठ पीछे गुजरने उड़ा रहा है। बात तो तुम सही कह रही हो, गंदगी तो इस घर से निकालनी है, उर्मी नहीं तो सम्राट ही सही। वैसे भी अब ये सम्राट मेरे किसी काम का नहीं, इस सम्राट को तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। और जहां तक सवाल रहा उस उर्मी का, मेरा शातिर दिमाग भी उसके लिए कुछ ना कुछ सोच ही लेगा। अरे बाप रे, जे लोग तो सम्राट की छुट्टी करने की ही प्लानिंग कर रहे हैं।
सम्राट ना हमें कहीं सुख से रहने नहीं देगा। कहाँ जरूरत थी उर्मी के चक्कर में दोबारा पड़ने। सम्राट के चक्कर में ना कहीं हमें भी इस घर के ऐशो आराम से हाथ ना धोना पड़ जाए।